और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरीदाबाद पहुंची हैं, कुछ ही देर मिलेंगी। आईआरएस की सलामी सेक्टर 29 स्थित नासेन सेंटर में ये कार्यक्रम होगा। 69वें बैच के आईआरएस अधिकारी जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। 2 साल से प्रशिक्षण ले रहे थे अफसर। वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं फरीदाबाद, कुछ ही देर में आईआरएस की सलामी लेंगी सेक्टर 29 स्थित नासेन सेंटर में। पासिंग आउट सेरेमनी फरीदाबाद पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विनय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं, क्या रहेगी कार्यक्रम की रूपरेखा? बहुत ही खास और अहम दिन आईआरएस अधिकारियों के लिए। जी बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरीदाबाद पहुंची हैं और चूंकि आज आईआरएस जो जो स्टाफ है जो पास आउट हुए हैं उनका एक मार्च है उसमें शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। और चूंकि 2 साल का ये ट्रेनिंग कैंप होता है और ये 69वां बैच है आईआरएस अधिकारी बनने का, और जो कि काफी जाके आके देश के जो अलग जो जो टैक्स का विभाग है उसमें अपनी सेवाएं देंगी, तो इसमें निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्रालय जिन संभालती हैं और इन्हीं के अधीन आता है ये विभाग, तो वो यहाँ पहुंची है अभिवादन करने उन लोगों का जो पास आउट हुए हैं, और मार्च जो होगा उनका वो अभिनंदन लेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो जब निर्मला सीतारमण जी का भाषण होगा तो वो जाहिर तौर पर बात आएंगी, सबको बधाइयां देंगी और आगे देश को सुचारू रूप से चलाने में अहम योगदान देने की बात कहेंगी। बिल्कुल, जिस पल प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं युवा उसी पल वो ये प्रण लेते हैं विनय कि वो देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, हर संभव यत्न करेंगे देश की अर्थव्यवस्था या फिर देश की तरक्की में योगदान देने के लिए। और यही वजह है कि हर पल बहुत ही उत्साही और गौरवपूर्ण पल होता है और अधिकारियों के चेहरों से भी ये झलकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई तो वो कोई भी पद का अधिकारी हो या फिर किसी भी ग्रेड से पास आउट होकर आ रहा हो तो उसके चेहरे पे अपनी एक चमक होगी, एक अपना अलग रौब होगा, और वो जाहिर तौर पर बात है कि जो ये पास आउट हुए हैं ये 2 साल का प्रशिक्षण लेकर इनमें भी अपने आप में खुशी होगी कि किस तरह से उनका एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रमोट हुए हैं और आगे बढ़े हैं, और जिस तरह से जो आईआरएस अधिकारी के जो काम होते हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी गई है, उनका जिम्मा सौंपा गया है। अब ये जिस पास आउट होने के बाद ये पासिंग मार्च है, इसके बाद आप अपनी अपनी सेवाएं अपने जो जहां पे इनको रिक्रूट किया जाएगा वहां पर देंगे, और उसके बाद जो निर्मला सीतारमण भी इसी मौके पर फरीदाबाद पहुंची है ताकि इनका उत्साह बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, और यही अनुभव यही जोश विनय किसी भी देश की तरक्की या विकास की नींव होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब युवाओं के हाथ में बागडोर आती है और जिस तरह की यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आईआरएस अधिकारियों का पद इनको मिला है और अब ये अपनी अपनी अलग अलग जगह पर डिस्प्यूट होंगे, तो जाहिर तौर पर बात है कि देश की उन्नति और ऐसे अधिकारियों के हाथ में होंगी तो काफी फर्क पड़ता है, इससे देश की उन्नति में आगे देश बढ़ता है। और जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है इनको, 2 साल का प्रशिक्षण था ये, और 2 साल के प्रशिक्षण में इनको तमाम वो बारीकियां और पहलू बताए जाते हैं आईआरएस को लेकर कि किस तरह से एक रेवेन्यू जो ऑफिसर है या आईआरएस ऑफिसर है उसका क्या काम होता है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरह से विभागों में काम किया जाता है, तो ये काफी 2 साल का गहन प्रशिक्षण होता है, ये इनको दिया गया है और इसके बाद अब ये अपने आगे के पद की ओर बढ़ेंगे। शुक्रिया विनय सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए, आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर आगे भी।